दोस्तों यहाँ पर मैं एक योगिक क्रिया डिस्कस करना चाहूँगी जिसे हम कुंजल क्रिया कहते हैं। दोस्तों जब हम योगा सीख रहे थे तो हमें एक चीज़ कही गई थी कि जब जब ऋतु परिवर्तन होता है, साल में 3 से 4 बार ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन या चेंज ऑफ वेदर के साथ हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है, और एडजस्ट नहीं कर पाती है तो कई चीज़ें आती हैं। एसिडिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हो सकती हैं, कई तरह की कंप्लेंट हो सकती हैं। तो उस टाइम एसिडिटी से बचने के लिए आप कुंजल क्रिया कर सकते हैं। कुंजल क्रिया में बहुत ही आसान तरीका है, सुबह सुबह जब आपको खाना खाने के 8 या 10 घंटे हो चुके हों, आपका पेट खाली होना चाहिए, एक जग या 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी करना है और उसको धीरे धीरे करके पीना है, और उसको फिर आपको अपनी फिंगर के अपनी इंडेक्स फिंगर को यहाँ तक ले जाने के बाद वो अपने आप ही बाहर आने लगेगा पानी। उससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एसिड होता है वो मॉर्निंग में ही बाहर निकल जाता है। लेकिन इसमें बस एक बात ध्यान रखने की ये है कि पेशेंट को ये चीज़ें वो डेली बेसिस पे नहीं करनी है, उसको ऋतु परिवर्तन के टाइम पे करना चाहिए, या कोई कंप्लेंट आ रही है तो तब कर सकते हैं। और जिनको पेप्टिक अल्सर हैं, जिनको स्ट्रक्चर्स हो गए हैं, जिनको हर्निया है, या प्रेगनेंसी की कंडीशन में, या हाई बीपी वाले लोगों को ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं।